बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल कल्टी द फूड बाय रहमा। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बच्चों के मनपसंद चिकन पॉपकॉर्न की रेसिपी। और ये देखे जी, यहाँ पे मैं आपको चेक करवाऊँ चिकन पॉपकॉर्न हमारे कैसे तैयार हुए हैं। ये देखे जी, अल्हम्दुलिल्लाह मुँह में जाते ही घुल जाएंगे बच्चों के मनपसंद चिकन पॉपकॉर्न आप घर में बनाएं। चिकन पॉपकॉर्न बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, बोनलेस चिकन है मेरे पास हाफ के जी। इसे मैंने अच्छी तरह से दो के और एक बाइट के साइज़ में इस तरह से काट लिया था टुकड़ों में। अंडा हमें चाहिए एक अदद और इसे फेंट लेंगे इस तरह से। सिरका इसमें जाएगा एक चाय का चम्मच, सोया सॉस दो चाय के चम्मच, ओरेगानो लीव्स इसमें जाएंगे आधा चाय का चम्मच, काली मिर्च का पाउडर आधा चाय का चम्मच, मस्टर्ड पेस्ट इसमें जाएगा एक चाय का चम्मच, मैदा दो खाने के चम्मच, कॉर्नफ्लावर एक खाने का चम्मच, सुर्ख मिर्च पाउडर आधा चाय का चम्मच। चिकन पॉपकॉर्न बनाना शुरू करते हैं। बाउल में सबसे पहले डालेंगे बीट किया हुआ अंडा। इस स्टेज पर मसालों की मकदार आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हैं, लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि ये बच्चों के लिए है, तो जो मैंने क्वान्टिटी आपके साथ शेयर की है वो बिल्कुल परफेक्ट है हाफ़ के जी चिकन में। और इसी के साथ मैंने इसमें ऐड किया मैदा, सुर्ख मिर्च पाउडर, काली मिर्च का पाउडर और नमक इसमें मैंने ऐड किया। और इसी के साथ अब इसमें जाएगा ओरेगानो लीव्स इसमें जाएंगे आधा चाय का चम्मच। ओरेगानो लीव्स डालने के बाद इसमें जाएंगे सोया सॉस दो चाय के चम्मच, सिरका इसमें जाएगा एक चाय का चम्मच, और अगर आपके पास सिरका नहीं तो आप लेमन जूस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मस्टर्ड पेस्ट इसमें जाएगा एक चाय का चम्मच, और सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें ऐड करेंगे कॉर्नफ्लावर एक खाने का चम्मच, और दोबारा से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि इसमें कोई गुठली ना रहे। और जब सब चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो इसमें ऐड करेंगे चिकन के क्यूब्स को, और चिकन के क्यूब्स को इस बैटर में अच्छी तरह से कोट करेंगे। और कोट करने के बाद इसे कवर करेंगे और मैरिनेट करेंगे फ्रिज में रख कर आधे घंटे के लिए। और आधे घंटे के बाद हम आपको बताएँगे कि हम सेकेंड स्टेप जो है वो कैसे करेंगे। और ये देखे जी, यहाँ पे आधा घंटा पूरा हो चुका है, कवर को मैंने हटाया, सब चीज़ों को एक दफ़ा दोबारा से मिक्स करेंगे। और अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसे एक साइड पे कर देंगे। और यहाँ इसका सेकंड स्टेप शुरू करते हैं। यहाँ मेरे पास एक बाउल है और बाउल में एक बड़ी प्याली मैदे की ऐड करेंगे, और साथ ही इसमें ऐड करेंगे कॉर्नफ्लावर चार खाने के चम्मच ऐड, पिसी हुई काली मिर्च इसमें जाएगी चौथाई चाय का चम्मच, काली मिर्च ऐड करने के बाद इसमें जाएगा नमक चौथाई चाय का चम्मच, और अगर आप तेज़ लेना पसंद करते हैं तो और ऐड कर सकते हैं, और अगर कम लेना पसंद करते हैं तो कम ऐड कर सकते हैं। और इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद यहाँ पर मेरे पास एक अंडा है, अंडे को अच्छी तरह से फेंट लेंगे। और यहाँ पर अब मैं आपको बताऊँगी कि इन चीज़ों से हम चिकन पॉपकॉर्न को कैसे तैयार करेंगे। सबसे पहले चिकन का एक पीस पकड़ेंगे और इसे कोट करेंगे मैदे में अच्छी तरह से। और यहाँ पे आप देखें कि मैं किस तरह से इसे कोट कर रही हूँ, दबा दबा के अच्छी तरह से हम इसे कोट करेंगे। मैदे में अच्छी तरह से कोट करने के बाद इसे इस तरह से झाड़ लेंगे ताकि जो अजाफी मैदा है वह उतर जाए। और फिर इसे ऐड करेंगे अंडे में, अंडे में अच्छी तरह से डिप करने के बाद इसे दोबारा से मैदे में रोल करेंगे। और जब अच्छा खासा मैदा इस पर लग जाए तो इसे दोबारा से झाड़ लेंगे ताकि इसका जो अजाफी मैदा है वो उतर जाए। और इसे हमारे क्या होगा जी, बड़े अच्छे से क्रम्स बनेंगे, ये आप देख सकते हैं। और इसी तरह से बनाते जाएंगे और एक अलहदा बाउल में प्लेट में रखते जाएंगे। और यहाँ पे एक दफ़ा मैं दोबारा से आपको बताऊँ कि हम चिकन पॉपकॉर्न कैसे बनाएंगे। बहुत आसान तरीका है, एक चिकन का पीस लेंगे, उसे मैदे में कोट करेंगे, अंडे में डिप करेंगे और दोबारा से मैदे में कोट करेंगे। और जो इस पर अजाफी मैदा लगा होगा उसे झाड़ लेंगे, उससे क्या होगा हमारे क्रम्स जो हैं वो बड़े अच्छी तरह से बनेंगे। ठीक हो गया जी, ऐसी छोटी छोटी जो टिप्स हैं उनको फॉलो किया करें, याद रखा करें। इसी तरह हम अपने सारे चिकन पॉपकॉर्न को तैयार कर लेंगे। और ये देखे जी, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हमारे सारे जो चिकन पॉपकॉर्न है वो तैयार हो चुके हैं। यहाँ पे मेरे पास ऑयल गरम है, और हमें कितना ऑयल गरम करना है, ऑयल को हम दरमियानी हीट में गरम करेंगे और इसके बाद इसमें ऐड करेंगे चिकन पॉपकॉर्न को। ये देखे जी, इस तरह से सारे पॉपकॉर्न ऐड करते जाएंगे, और बच्चों को बिल्कुल करीब ना आने दें किचन में, और ख़ुद भी बहुत एहतियात से काम किया करें। ऐसे चिकन पॉपकॉर्न ऐड करने के बाद अब इन्हें पकाएंगे एक साइड से, और जब बड़ा अच्छा सा कलर आ जाएगा तो इनकी साइड चेंज करेंगे और दरमियानी फ्लेम पर हम इन्हें फ्राई करेंगे 5 से 6 मिनट तक एक साइड से, और 5 से 6 मिनट तक दूसरी साइड से।
और साइज जो है वो चेंज करते रहेंगे। बड़ा ही प्यारा सा हम इन्हें कलर देंगे, गोल्डन सा। और यहाँ पे देखें जी, मैंने सारे पॉपकॉर्न की जो साइड है वो चेंज कर ली है और हमारे पॉपकॉर्न जो है वो पक चुके हैं। माशाल्लाह इनका कलर देखें, क्या खूबसूरत इनका कलर आया है, ज़बरदस्त सा सुनहरी सा। चिकन पॉपकॉर्न हमारे तैयार है, अब मैं इन्हें डिश आउट करूँगी। चिकन पॉपकॉर्न बच्चों के मनपसंद, आप इन्हें बच्चों को दें लंच बॉक्स में या फिर डिनर टाइम में दें। मैंने आपके साथ शेयर की चिकन पॉपकॉर्न की रेसिपी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए, ताकि मेरी हर नई आने वाली रेसिपी आप तक पहुंच सके। और मुझे कमेंट करके लास्ट में बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। इसी के साथ ही ज़्यादा चाहेंगे, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।